तो अभी जो है वो आंसर की जो लिंक थी वो यहाँ पे साइड पे से हटा दी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले यहाँ पे एक लिंक आती थी जहाँ से आप आंसर की देख सकते थे, लेकिन अब वो लिंक को हटा दिया गया है। तो आपको क्या करना है और क्या एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपको ध्यान रख लेना है। तो वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो देखिए, यहाँ से जो आंसर की डाउनलोड करने की लिंक थी वो हटा दी गई है, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहले से ही दी गई थी। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है कि 17 जून 2019 को शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर उपलब्ध है, मतलब कि इसके बाद उसे हटा दिया गया है और इसकी इन्फॉर्मेशन पहले से ही दी गई थी। तो अब जिन्होंने अपनी आंसर की को नहीं देखा है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डाउनलोड अभी करना चाहते हो, नहीं लिंक है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट जो है आज इसमें 18 तारीख है और 20 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप डायरेक्ट रिजल्ट से भी कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि आप ना तो अब रिस्पॉन्स चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि सभी चीज़ें की जो है डेट ओवर हो चुकी है। तो आपको अगर आप लिंक चली गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिंक हटा दी गई कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप क्या करना है, आपको अब रिजल्ट का इंतजार करना है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे एडमिट कार्ड के लिए लिंक दिखाई दे रहा है, लेकिन ये लिंक भी रिमूव की जा सकती है काउंसलिंग के टाइम। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जिस भी ग्रुप के हैं, आपको अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। अगर आप मोबाइल फ़ोन में यूज करते हैं तो मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करके रख लेना है, या फिर आपको अपने मार्केट में जाके एक प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना है, और जो लोग फ़ोन में डाउनलोड करेंगे उनको भी प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना है। क्योंकि जब आप काउंसलिंग कराओगे तो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन में आपको एडमिट कार्ड जरूर लगेगा, और हो सकता है कि ये लिंक जो अभी आपको एडमिट कार्ड के लिए दिखाई दे रही है ये हटाई जा सकती है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप एडमिट कार्ड की एक फ़ोटो एक आप डाउनलोड कर लो, और उसके बाद उसको प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख ले। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार लिंक हट जाएगी तो लिंक वापस तो आती है दोबारा भी, लेकिन हो सकता है अगर कोई दिक्कत हो तो इससे पहले आप सतर्क हो जाइए और आप डाउनलोड करके रख लीजिए। तो ये थी यार इन्फॉर्मेशन, और आंसर की अगर नहीं भी दिख रही तो कोई दिक्कत नहीं है यार, आप डायरेक्ट रिजल्ट से भी पता कर सकते हो, क्योंकि अब रिस्पॉन्स चैलेंज का डेट भी चला गया तो कोई मतलब है नहीं आंसर की से। अब आप 20 तारीख को रिजल्ट से ही पता करना उसको, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। ओके।